सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सायराम। नमस्ते दोस्तों, दिस इज समर राय फ्रॉम समर्थ ऑडियो। आज का जो टॉपिक है ये है स्टीरियो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है जब हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग करते वक्त हमको कभी कभार स्टीरियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, जैसे कि मैंडोलिन, गिटार, एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है, मैंडोलिन, गिटार, जैसे कि फ्लूट, हारमोनिका, नहीं तो बैंजोलिन, ये सब कुछ जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, मतलब स्टीरियो माइकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है स्टीरियो माइकिंग को लेके। तो आज हम खास करके चार पांच ऐसा कुछ टेक्निक्स को लेके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये माइकिंग टेक्निक्स क्या है। एक्स वाई माइकिंग टेक्निक्स। तो आपको पता ही है बहुत टाइप का माइक होते हैं, जैसे कि डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है, बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है, कार्डियोइड माइक्रोफोन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब माइक्रोफोन के बारे में पता है कि क्या बायडायरेक्शनल माइक्रोफोन क्या है, डायरेक्शनल माइक्रोफोन क्या है, और ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन क्या है, कार्डियोइड माइक्रोफोन क्या है। तो इसको मानते हुए मैं आज जो टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूँ तो एक्स वाई माइक्रोफोन टेक्निक्स है। तो एक्स वाई एक स्टूडियो माइकिंग टेक्निक है जहाँ पर आपको दो कार्डियोइड माइक्रोफोन चाहिए। दो कार्डियोइड माइक्रोफोन को आपको प्लेस करना है। किस तरह से प्लेस करना है देखिए, ये देखिए एक्स वाई माइकिंग जो है इसमें दो माइक रहेगा, कार्डियोइड माइक्रोफोन दो रहेगा। इसमें वायर यहाँ से निकल रहा है, लेफ्ट एंड राइट का जो माइक्रोफोन है वायर यहाँ से निकल रहा है। और आपको पता है कि माइक्रोफोन्स का जो डायफ्रेम होता है, डायफ्रेम के सामने से ऐसे एक इतना एरिया वो कैच करता है। और ये वाला मतलब ये जो राइट वाला जो माइक्रोफोन आप देख रहे हैं ये भी इतना ही एरिया कैच कर रहा है, बराबर इतना एरिया कैच कर रहा है। तो इस हिसाब से दो माइक्रो आपको बिठाना पड़ेगा, जिसका ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। ये एंगल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा 90 डिग्री। याद देखिएगा, 90 डिग्री एंगल में आपको इसको प्लेस करना है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके सामने। एक बात इसमें है कि इसमें ड्यू टू सम फेस कैंसिलेशन, तो ऐसा कैंसिलेशन के लिए थोड़ा सा इसका डेप्थ लेकिन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। ये दो माइक का जो क्रॉस सिग्नल दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा फेस कैंसिलेशन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ कम मिलेगा। और ये जो एक्स वाई माइकिंग आपने जो किया है इसके ज़रिए आप गिटार बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक एकोस्टिक गिटार को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देगा। और छोटा मोटा क्वायर सेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो या हॉर्न सेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं दूसरा जो माइकिंग है उसके ऊपर, स्पेस्ड पेयर माइकिंग। स्पेस्ड पेयर माइकिंग में क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो माइक्रोफोन को यहाँ पे सेट किया गया है और ये दो माइक्रोफोन के बीच में आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा 1 फीट से लेके 12 फीट तक आप डिस्टेंस इसको रख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई हॉल में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डायरेक्शनल जो माइक्रोफोन जो आप यूज़ कर इसमें लेकिन आप 1 फीट से लेकर 12 फीट तक आप उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें लेकिन आपको बहुत वाइड एंगल साउंड आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड से मिलेगा और राइट साइड से भी मिलेगा। बहुत सिंपल है लेकिन याद रखिएगा एक ही टाइप का, एक ही कंपनी का माइक होना चाहिए, कार्डियोइड माइक होना चाहिए, नहीं तो आपको सिग्नल जो आपको जो मिलेगा, दो अगर अलग अलग माइक होंगे तो सिग्नल जो मिलेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें आपको जो इफेक्ट आप उम्मीद कर रहे हो वो इफेक्ट आपको नहीं भी मिल सकता है। सो ऑलवेज यूज़ द सेम कैरेक्टर, सेम कंपनी का माइक्रोफोन, सेम मॉडल माइक्रोफोन, ताकि आपको वो वाला इफेक्ट आपको मिले, ठीक ठाक इफेक्ट मिले। तो ये जो स्पेस पेयर माइकिंग सिस्टम है इसके ज़रिए आप ड्राम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो स्पेस पेयर माइकिंग टेक्निक्स जो है इसके ज़रिए आप बहुत बड़ा एक एनसेम्बल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और इसको आप ड्राम्स का जो ओवरहेड्स है उसको ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। दो फीट या 3 फीट का डिस्टेंस देके आप इसको ऊपर से डायरेक्ट जो जहाँ पे एनसेम्बल सेक्शन है, ब्रास सेक्शन जहाँ पे है, ओवरहेड सेक्शन को आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं तीसरा जो माइकिंग टेक्निक्स है उस पर। तीसरा जो माइकिंग टेक्निक है वो है ORTF। ORTF माइकिंग में आपको दो कार्डियोइड माइक चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कार्डियोइड माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है और इन दोनों में जो डिस्टेंस आपने जो कार्ड जो किया है 110 डिग्री आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और दोनों माइक का जो हेड है, मतलब जो डायफ्रेम है,
डायफ्राम के अंदर 17 सेंटीमीटर का दूरी होना जरूरी है। इसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा कैसे भी करके, 17 सेंटीमीटर दूरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसका जो कार्व यहाँ पे है 110 डिग्री तक आपको रखना है कैसे भी करके। यह है वॉल्टेप स्टीरियो टेक्निक और इसमें वेरी नेचुरल साउंड आपको रिकॉर्डिंग करने को मिलता है, वेरी नेचुरल साउंड। जो यहाँ पे कोई फेस कैंसिलेशन का कोई मामला नहीं है क्योंकि दो माइक अपने इस तरह से फिटिंग किया है, इस तरह से प्लेस किया है कि ये 70 सेंटीमीटर दूरी पे है दोनों का हेड और 110 डिग्री एम्बियंस मतलब 110 डिग्री कॉर्नर में लगा हुआ है और वेरी नेचुरल साउंड आपको हमें मिलता है ये सेटिंग। लेकिन गुड फॉर ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग, ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देगा और प्लस लार्ज एंसेंबल्स आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। बहुत ही अच्छा मतलब कोरस ग्रुप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए 10-12 या 20-25 कोरस सिंगर खड़ा हुआ है तो उनके सामने ऐसा अगर कुछ देंगे आप मतलब वाटीएफ माइकिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा एम्बियंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाला जो हम आएंगे वो है NOS माइकिंग। आप देख पा रहे कि NOS माइकिंग जो है, ये जो NOS माइकिंग जो है यहाँ पे दो माइक आपको चाहिए, दो कार्डोइड माइक चाहिए, दो कार्डोइड माइक में। लेकिन ये जो कार्व रहेगा ये कार्व रहेगा 90 डिग्री कार्व रहेगा और दोनों माइक का जो हेड है इनका डिस्टेंस रहेगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर दोनों माइक का हेड डिस्टेंस मतलब जब उनका जो डायफ्रेम है, डायफ्रेम दोनों का रहेगा 30 सेंटीमीटर अपार्ट रहेगा, ठीक है दूरी में रहेगा। इसे कहते हैं NOS माइकिंग सिस्टम। ये जो NOS माइकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं इसके ज़रिए आप फेयरली क्लियर साउंड, फेयरली नेचुरल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये NOS माइकिंग सिस्टम आपको जो इमेज देगा स्लाइटली एग्जाजरेटेड स्टीरियो फील आपको मिलेंगे। अच्छा इसके बाद हम आते हैं मिड साइड माइकिंग में। आप देख रहे हैं मिड साइड माइकिंग और इसको भी MS भी कह सकते हैं मिड साइड माइकिंग में। लेकिन आपको दो चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा। नंबर वन, यहाँ पे आपको एक कार्डियस माइक्रोफोन चाहिए और एक बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन चाहिए। बाई डायरेक्शनल बोले तो फिगर एट माइक्रोफोन, जो फिगर एट माइक्रोफोन सामने भी कैच करता है जितना हिस्सा, पीछे भी उतना हिस्सा कैच करता है। तो वैसा एक फिगर एट माइक्रोफोन चाहिए और एक कार्डियस माइक्रोफोन चाहिए या डायरेक्शनल माइक्रोफोन हो सकता है, कार्डियस माइक्रोफोन हो सकता है। आप इसको यूज़ कीजिए और उसको यूज़ करने का तरीका देखिए। जो ऑडियो सोर्स जो है, अगर मान लीजिए ऑडियो सोर्स यहाँ पे है तो आपको एक कार्डियस माइक्रोफोन बिल्कुल उसका सामने देना पड़ेगा जो मिड साइड को रिकॉर्ड करेगा मतलब मिड पोर्शन को रिकॉर्ड करेगा। और सेम माइक के नीचे फिगर एट माइक्रोफोन जो है उसको भी खड़ा कर दीजिए। तो फिगर एट माइक्रोफोन क्या करेगा, इस तरफ का सिग्नल रिकॉर्ड करेगा और लेफ्ट साइड का सिग्नल रिकॉर्ड करेगा, राइट साइड का जो सिग्नल है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, लेफ्ट साइड का जो सिग्नल है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन फ्रंट को नहीं करेगा। फ्रंट में कौन है, मिड साइड वाला जो है मतलब फ्रंट में जो आपने दिया है मिड कार्डियोइड जो माइक्रोफोन दिया है आपने, वो मिड साइड को रिकॉर्ड करेगा। अभी ये जो मिड साइड है, अभी जो कार्डियोइड जो माइक्रोफोन है इसको आप डायरेक्टली एक मोनो सिग्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका पैन पोर्ट आप सेंटर में रखिए, पैन पोर्ट को आपको रखना है सेंटर पे। और जो फिगर एट माइक्रोफोन उसका जो सिग्नल आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसी सिग्नल को दो हिस्से में मतलब एक मोनो चैनल पे, दूसरा और एक मोनो चैनल पे मतलब दो चैनल पे उसको रिकॉर्ड करना है। आपको सिग्नल को दो चैनल में रिकॉर्ड करना है और दो चैनल में रिकॉर्ड करते हुए जो फिगर एट माइक्रोफोन जो है दो चैनल का किसी भी एक चैनल को आप उसका जो फेज है फेज को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा एक साइड का फेज कैंसिल हो जाएगा और उसमें आपको जो टोन मिलेंगे आपको बहुत अच्छा मिड साइड टोन वो देगा। इसको आप ट्राई करके देखिए एक बार। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें आपको मोनो सिग्नल एंड सेंटर सिग्नल भी मिलेंगे प्लस वाइट सिग्नल भी मिल जाएगा लेफ्ट एंड राइट साइड में, दोनों को मिला के आपको एक बहुत अच्छा एम्बियंस सुनने को मिलेगा। तो MS माइकिंग टेक्निक्स जो आपने अभी भी देखा, इसको कोई भी एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, पियानो भी यूज़ कर सकते हैं, गिटार एम्प्स के सामने भी यूज़ कर सकते हैं, एकोस्टिक गिटार अगर कोई प्ले कर रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बैंजुलिन मैंडोलिन इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। और जैसे ग्रुप वायलिन अगर रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली वाटीएफ, अगर वाटीएफ माइकिंग यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम लास्ट में आएंगे
ये है ब्लूमलिन स्टीरियो टेक्निक। इसमें आपको लेकिन चाहिए दो पीसेस ऑफ फिगर एट माइक्रोफोन। आपको पता ही है फिगर एट माइक्रोफोन क्या करता है, सामने भी कैच करता है पीछे भी कैच करता है, मतलब एट की तरह। तो देखिए यहाँ पे एक माइक्रोफोन जो यहाँ पे है, ये माइक्रोफोन सीधा सामने भी कैच कर रहा है और पीछे भी कैच कर रहा है। लेफ्ट साइड में जो माइक्रोफोन आपने दिया, ये भी सामने कैच कर रहा है और इसका हिस्सा पीछे भी कैच कर रहा है, ठीक है ऐसे। तो लेकिन ये दो जो माइक्रोफोन्स हैं, ये दोनों माइक्रोफोन्स में लेकिन ये जो डिस्टेंस रहेगा ये है, मतलब ये जो कर्व रहेगा ये है 90 डिग्री। कर्व आपको मेंटेन करना ही है। ब्लूमलिन स्टीरियो टेक्निक जो है ये आपको राउंड 360 डिग्री एक साउंड एम्बियंस आपको रिकॉर्डिंग करने को देता है। ये फिगर एट माइक आपको चाहिए इसके लिए। इसके ज़रिए आप ग्रुप वायलिन को रिकॉर्ड कर सकते हो या एक क्वायर ग्रुप को रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसके ज़रिए ग्रुप रिदिम जैसे ढोलक तबला ग्रुप रिदिम अगर सब लोग बैठे हुए हैं तो आप सबको एक ही माइक्रोफोन से, मतलब एक ही माइक्रोफोन टेक्निक से रिकॉर्ड कर सकते हो। ग्रुप रिदिम के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको सबसे पहले लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिक जो चार जो माइकिंग्स है, माइकिंग जो टेक्निक है वो है, लेकिन एक है एक्स वाई माइकिंग टेक्निक्स, दूसरा है ORTF, तीसरा है ब्लूमलिन एंड चौथा है मिड साइड। चारों जो माइकिंग टेक्निक्स है इसको हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिटेल्स। देखिए ये जो XY माइकिंग जो है इसमें लेकिन आपको 90 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा, और जो ORTF जो माइकिंग टेक्निक्स है इसमें आपको 110 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। ब्लूमलिन में आपको लेना पड़ेगा फिगर एट माइक, दो माइक्स चाहिए, और मिड साइड में लेकिन यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा, और मिड साइड में जो मिड साइड माइकिंग जो टेक्निक्स है वहाँ पे लेकिन आपको चाहिए एक कार्डियोइड माइक्रोफोन एक फिगर एट माइक्रोफोन चाहिए, और इसका ऐसा प्लेसमेंट रहेगा। देखिए जो मिड साइड माइक्रोफोन जो है, मतलब जो कार्डियोइड माइक्रोफोन अपन यूज़ कर रहे हैं सेंटर में है, डायरेक्ट मिड साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक फिगर एट माइक्रोफोन पीछे से सेम पोजिशन में है घुमा फिरा के। अभी यहाँ पे ये जो आपको दे रहा है एक इसका जो सिग्नल, जो मिड साइड का जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसका रिकॉर्डिंग होगा दो चैनल में, मतलब दो चैनल में आपको इनपुट करना है। और ये जो कार्डियोइड माइक्रोफोन है इसको आपको लेना पड़ेगा एक चैनल में, मोनो पैरिंग रखिएगा, और जो मिड साइड जो आप ले रहे हैं इसको आपको लेना पड़ेगा दो चैनल में रिकॉर्ड करना है, दो चैनल में एक ही साथ रिकॉर्ड करना है, और पैन को एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट कर दीजिए, लेकिन किसी एक चैनल को आपको फेस कैंसिलेशन, मतलब फेस को उल्टा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीक पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्ते जी।